केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आजादी के करीब 77 साल बाद हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है। देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद में बनाए हुए कानून। राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अग्निवीर जैसी अनियोजित और तुगलकी योजना लाकर युवाओं का मनोबल तोड़ा गया है। सर, ऑल एस्पर्शन्स, अग्निवीर जैसी अनप्लान्ड तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। तीन नए आपराधिक कानूनों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आज भारतीय न्याय व्यवस्था गुलामी की जंजीरों से पूरी तरह से मुक्त हो गई है। देखिए, भारतीय न्याय व्यवस्था आज पूरी तरह से गुलामी के जंजीरों से मुक्त हो रहा है। माँ भारती के संतानों के द्वारा हमारे भारतीयों के लिए अपना कानून होगा जो सिर्फ दंड ही नहीं देगा, न्याय देगा। समय सीमा के अंदर एक माहौल बनाएगा जो लोगों को जजमेंट के लिए परेशान नहीं होगा। लंबे समय तक अपराधी उसकी खामियों से बच नहीं पाएंगे। तीन नए आपराधिक कानूनों पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन तीनों कानूनों को लागू करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अमरोहा और बरेली जिलों में नए कानून के तहत 2 FIR दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज जुलाई की पहली तारीख 2024 से लागू हो गई है। इस पूरे तीनों कानूनों को लागू करने के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर रखी थी, जैसे कि ट्रेनिंग, आवश्यक खरीदारियां, आवश्यक उपकरण तथा हमारी जो टेक्निकल विंग है उसने आवश्यक नेटवर्किंग, जो सभी थानों को आवश्यक सॉफ्टवेयर इत्यादि भारत सरकार के द्वारा जो चीजें उपलब्ध कराई गई थी उसके अनुरूप करा दी गई हैं। तीन नए आपराधिक कानून पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, इन्हें अंग्रेजों के सामने का कानून चलेगा, लेकिन अपने देश में बने हुए कानून को पूरी तरह से चर्चा के साथ बनाया गया, इसमें कई प्रावधान जुड़े हैं। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून इनको चलेगा, बट अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाए गए हैं, सारे पक्षों के विचारों को सुनकर बनाए गए हैं, इसमें तो इवन आम जनता से भी, भाई कई ऐसी चीज़ें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीज़ों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, जिस तरीके से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसी और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती, इन तमाम चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों की चिंताएं हैं। बट वो 19वीं सदी के समय का कानून चल रहा था, वो इन लोगों के लिए ठीक है। मेरी समझ के परे है कि भाई जस्ट बाय द वर्च्यू की सरकार ने कोई एक फैसला लिया है, आपको इसका विरोध करना है, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कतई नहीं हो सकती। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हमले के बाद पीएम मोदी ने दिया जवाब, कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये बहुत गंभीर विषय है। बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको,
पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, पीएम कहते हैं यानी महात्मा गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक बार फिल्म द्वारा पुनर्जीवित किया गया था।